सीजीएल 2023 के टीयर 1 का रिजल्ट आ गया। अगर आपका लिस्ट में नाम है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सी टॉप पोस्टें रहने वाली हैं सीजीएल 2023 के अंदर और उनके टॉप लिस्ट में कैंडिडेट के आने के क्या कारण है। आप कमेंट में यही बताइएगा कि आपकी टॉप लिस्ट में से इनमें से कौन सी पोस्ट टॉप लिस्ट में है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है दिल्ली बेस्ड ASO CSS। देखिए, जो टॉप स्कोरर रहेंगे 1000 रैंक के अंदर, 1500 रैंक के अंदर, मैक्सिमम कैंडिडेट दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान और यूपी का वेस्ट इलाका, यहाँ पर आप इनकी संख्या आप ज़्यादा पाओगे टॉप रैंकर्स में से। और भी अदर रीजन जैसे कि कोलकाता, उड़ीसा, बिहार रहता ही आपका, और इधर बैंगलोर, मुंबई से भी कैंडिडेट रहते हैं आपके, लेकिन ये जो लोकेशन है दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान, इनके कैंडिडेट ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। इस वजह से क्या है कि वो बिल्कुल भी रिस्क ना लेना। रिस्क लेने का मतलब ये है कि अगर वो GST भरते हैं या ITI भरते हैं, अगर उनका लोकेशन राजस्थान नहीं मिला या फिर जो लोकेशन आप देख रहे हैं मिस होता है तो वो दिल्ली से वो हो जाएंगे। अगर दिल्ली उनका लोकेशन से जाता है तो एक रिस्क इन्वॉल्व रहेगा, बिकॉज हर बार ऐसे नंबर नहीं आते। इसलिए बिल्कुल भी रिस्क ना लेते हुए ASO CSS टॉप लिस्ट में आने वाला है। 700 वैकेंसी इस बार आपको देखने को मिल रही है। फ़ायदे अगर बात करें तो आपकी लाइफ टाइम पोस्टिंग दिल्ली के अंदर रहती है। कुछ मिनिस्ट्री को छोड़ दिया जाए तो वर्क लाइफ, देखो वर्क आप हर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम हो गया है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो कुछ मिनिस्ट्री को छोड़ करके आप काम देखोगे तो लेनियंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा आपका वर्क लाइफ बैलेंस है वहाँ पर। दूसरी बात अगर हम बात करें कि यार क्या एक्स्ट्रा वर्क की बात करें सैटरडे संडे वाला, तो वो आपका ऑफ रहता है। फीमेल कैंडिडेट जो रहती है जो सेटलमेंट की तरफ देखते हैं कि यार एक फैमिली लाइफ के लिए, क्योंकि दिल्ली एक बड़ा शहर है आपका, बेसिक नेसेसिटी और आपकी एक लाइफ जीने के लिए अच्छी जगह है, खासकर नॉर्थ इंडियन के लिए सब लोग ईजिली वहाँ सेटल हो जाते हैं, तो इसलिए इस लिस्ट में ये पोस्ट आती है। अगला जो पोस्ट है वो है GST इंस्पेक्टर। देखो, GST इंस्पेक्टर के पीछे कारण बहुत सारे हैं, जिसमें सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है मार्केट में बनी हुई इसकी हवा, राइट। और खासकर उसमें जो वीडियोस अलग सारा देखते हो GST इंस्पेक्टर का, 3 स्टार के कंधों पर वर्दी का जो रहता है, वो वर्दी का नशा खासकर मेल कैंडिडेट को ज़्यादा ही रहता है, वो इस पोस्ट को टॉप लिस्ट में लाता है। एक तो वो लोग हैं, दूसरे वो जो सिलेक्टेड हैं दूसरी पोस्टों पर 2800-2400 पर, और वो या फिर 4600 पर भी, और रिस्क लेते हैं कि चलो 4600 ग्रेड पे के लिए कहीं भी मिल जाएगा तो वो ट्राई मारते हैं GST के लिए ही। इसकी स्टेट वाइज वैकेंसी पहले से अवेलेबल रहती है, आपकी अलोकेशन रैंक बेसिस पे रहता है, थोड़ा कैंडिडेट आइडिया लगा लेता है अपनी स्टेट के वाइज वैकेंसी देख करके। नहीं भी रहता है जो जॉब में रहते हैं, अगर सेम ग्रेड 2800 ग्रेड पे तो 2800 ना भरते हुए अगर हाई ग्रेड पे की तरफ जाना है, और मान लीजिए उनका लोकेशन में दिल्ली वाली जो पोस्ट है वो टच में नहीं है, क्योंकि कट ऑफ सबसे कम 4600 में देखोगे तो GST के ही आप टच में रहते हो आप, इस वजह से क्या है इस पोस्ट को लोग टॉप लिस्ट में डालते हैं। देखो, अगर आप नए होगे या फर्स्ट एक दो बार में होगे, मैं आपको फिर से एक बार वार्न करूंगा कि यार ये जो मार्केट में हवा बना हुआ है, जो ये दिखाई जाती है चीज़ें, इस चक्करों में भर के कोई भी पोस्ट आप ना, बाकी हम आगे सीरीज चलाएंगे, बाकी आपको और भी चीज़ें प्रोवाइड कर जाएगी एक रफ आइडिया। अगर आप फर्स्ट टाइमर सुन रहे होगे तो इन सब ट्रैप में ना फंसेगा, बिकॉज इस टाइम में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, और जो लोग देखोगे यार जब पोस्ट भरने की बारी आएगी, तो वो होता है लोकेशन, राइट। तो आप अभी इन हवाबाजी में ना पड़ना, लेकिन फिर भी ये पोस्ट जो टॉप लिस्ट में जाती है उसका कारण सबसे ज़्यादा ये वर्दी वाला ही रहता है। अगर आपको इसमें स्टेट अपना मिल जाता है, जैसे मान लीजिए स्टेट वाइज वैकेंसी अवेलेबल, अगर आपको राजस्थान मिलता है या यूपी मिलता है या कोलकाता मिलता है, तो इसमें सबसे बड़ा फायदा जो रहता है कि ICT बंद है आपका, तो ICT बंद होने से आपका स्टेट के बाहर ट्रांसफ़र नहीं होगा और ग्रेड पे 4600 है, तो इसलिए कैंडिडेट उसको देखते हैं कि आगे हम ट्रांसफ़र वाली चीज़ से बच जाएंगे। अगली जो पोस्ट है जिसकी वैकेंसी ठीक ठाक है वो है आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। SSC को लोग इनकम टैक्स की वजह से ही जानते हैं, और इनकम टैक्स का जो मार्केट में वो है अभी भी गांव में या छोटे जगहों पर, मैक्सिमम कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं वो ऐसी फैमिली से हैं जो YCT या ZCT से ही रहता है आपका, और इस वजह से ये चार्म अभी भी कैंडिडेट के अंदर, चाहे कुछ भी हो जाए, ये इनकम टैक्स नहीं जाने वाला। और वैकेंसी आई, जब वैकेंसी आती है ज़्यादा मात्रा में तो हर स्टेट से वैकेंसी निकलती है, जब हर स्टेट से वैकेंसी निकलती है तो कैंडिडेट एक बारी को रिस्क लेता है। और मैं फिर बोलूँ कि जो लोग सिलेक्टेड है, मान लीजिए सीजल 2020 में है, 21 में है, 22 में है, और 4600 भी मिला हुआ है उनको, तो दोबारा जब उनके निकलते हैं तो रिस्क लेते हैं। जैसे कोई GST इंस्पेक्टर 22 में सिलेक्टेड है अपने स्टेट के आसपास है, उसके नंबर अच्छे हैं, तो वो दोबारा से जब ट्राई मारेगा तो GST नहीं भरेगा, वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर डालेगा, बिकॉज वैकेंसी अच्छी खासी हो सकता है कि उसका स्टेट वाइज में आपको स्टेट अपना मिल जाए, तो इस वजह से ये पोस्ट टॉप लिस्ट में जाने वाली। जो टॉप स्कोरर रहते हैं खासकर वो जो दिल्ली नहीं प्रेफर करते हैं, जैसे कि मान लीजिए बिहार से है, कोलकाता से है, झारखंड उड़ीसा से है या फिर मुंबई की तरफ से है, तो ऐसा नहीं कि सभी लोग दिल्ली आना चाहेंगे। जो इसमें से टॉप स्कोरर रहेंगे वो अपना स्टेट देखेंगे, और उस तरफ आने के लिए GST आप ज़्यादा नहीं पाते हो, इनकम टैक्स में आप पोस्ट मिल जाएगी आपको, तो इस वजह से क्या है कि आपको ये पोस्ट
टॉप लिस्ट पे देखेगी और स्टेट वाइज वैकेंसी आपको डीबी से पहले अवेल हो जाएगी। गोल्डन बुक जो मेरी आती है वो आप तक पहुंच जाएगी। गोल्डन बुक में सारी डिटेल इस बार और अच्छे तरीके से मॉडिफाइड करा जा रहा है, जिसमें और डिटेल इन्फॉर्मेशन, ट्रांसफर, पोस्टिंग सब कुछ कवर की जाए, लिखी जाए उसके अंदर। उस पर काम चल रहा है, जो आपको बिल्कुल प्रोवाइड करी जाएगी डीबी से पहले और हर बार प्रोवाइड करी जाती है। तो आप ये देखोगे कि इसमें स्टेट वाइज पता होने से आपके लिए आसानी और बढ़ जाती है। 4600 पोस्ट की अगली जो पोस्ट की अगर हम बात करें, सीजीए अकाउंटेंट टॉप लिस्ट में रहने वाली है। कारण उसका जानिए कि 4600 ग्रेड पे की जो पोस्ट है वो लिमिटेड है, राइट। और नॉर्थ में वैकेंसी 4600 में आती नहीं, अगर हम दिल्ली वाले को हटा दें जिसके लिए टॉपर्स लगे रहते हैं। उसके बाद सीएसएस के बाद देखोगे एमईए, एएफएचक्यू तो मजबूरी में भरना ही पड़ेगा। मतलब एमईए को तो छोड़ दो, एमईए तो टॉप 100 रैंकर्स की रहती है। अगर एएफएचक्यू देखोगे बाकी अदर उसके लिए, तो वो दिल्ली सेफ करने के लिए कैंडिडेट रखते हैं, राइट। बात करें हम उसके अलावा, अगर हम अदर पोस्टें देखें 4600 में या 4200 में, जो असिस्टेंट की पोस्टें होती है ऑल इंडिया रहती है आपकी, अगर आप 2800 पर आओगे तो आप सीएजी और सीजीडीए, उसके अलावा सीजी अकाउंटेंट, उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ये पाओगे और यूडीसी की पोस्टें पाओगे। यहाँ पर अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, बिकॉज सीएजी की वैकेंसी है नहीं, सीजीडीए ने वैकेंसी अपना दिया नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की, उसकी भी रिपोर्ट नहीं करी गई है। तो जो बड़ा सेक्शन रहता है वो सिलेक्ट होता है 2800 और 2400 ग्रेड पे। यहाँ पर आप देखोगे कि मैक्सिमम लोग सीजीए की तरफ जाएंगे। कारण उसका जान लीजिए कि सीजीए में जो मिनिस्ट्री मिलती है आपकी वो रैंडम मिलती है, लेकिन चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि आपको दिल्ली वाली मिनिस्ट्री मिल जाए। बिकॉज मान लीजिए कि आपके नंबर इतने हैं कि आप 4600 के बाउंड्री पर हैं, और अगर आप जीएसटी ऑप्ट करते हैं या फिर आप एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ऑप्ट करते हैं तो आपकी लोकेशन अच्छी ना आए। लेकिन अगर आप सीजीए ऑप्ट करते हैं तो सीजीए में रैंक का चक्कर नहीं रहता। अगर आप लास्ट रैंक पर भी हो तो हो सकता है कि आपको दिल्ली वाली मिनिस्ट्री दे दी जाए। टॉप रैंकर्स में हो तो हो सकता है कि आपको दिल्ली के बाहर भी दे दें, उसमें पूरा रैंडम रहता है आपका। तो इसलिए ये पोस्ट ज़्यादा जाएगी, बिकॉज नॉर्थ सिक्योर करने के लिए सीजीए अकाउंटेंट आपका एक पोस्ट उनको मिलेगा। ये सब कुछ जानते हुए कि भी सीजे का देखो एलोकेशन में बहुत टाइम लगता है, मिनिस्ट्री का एलोकेशन करने में ही 4-5 महीने लगा दे रहे ज्वाइनिंग में, मतलब रिजल्ट आने के 6-7 महीने, अभी पीछे 20-21-22 अगर हम बात करिए तीनों को देखे इतना टाइम लग रहा है। ये सब जानते हुए भी यार लोकेशन बहुत मैटर करता है। 1-2 महीना कैंडिडेट झेल लेगा, बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन लोकेशन उसके लिए मैटर करेगा। अगली पोस्ट जो है वो सीबीआई इंस्पेक्टर। देखो इसके लिए एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है जो मेंटली रहता है। जैसे अगर हम बात करें कुछ खास पोस्ट रहती है जिसके लिए सभी डेडिकेटेड रहते हैं, उसमें से एक ये पोस्ट है सीबीआई। सीबीआई हो गई, एनआईए हो गया, नार्कोटिक्स हो गया आपका। सीबीआई के अंदर मेडिकल और फिजिकल की रिक्वायरमेंट रहती है और कैंडिडेट इसके लिए खासकर हरियाणा का जो रीजन है, राजस्थान के कैंडिडेट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। क्या कैंडिडेट को लगता है कि नहीं क्या इसकी वजह से कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं। और मैंने कहा कि जो खास जो ये वर्ग जो इस पोस्ट को रखता है इसके प्रति, वो बिल्कुल इसको भरेगा, बिकॉज सीबीआई की वैकेंसी काफ़ी टाइम बाद इतनी सारी देखने को मैक्स देखने को मिल रही। ज़्यादातर आप पाओगे कि 8-10-20 ऐसे ही वैकेंसी आती है सीबीआई की। और बात करें प्रोफाइल की, तो यार वर्क प्रेशर है ये, अभी सोशल मीडिया में काफ़ी कुछ आप वीडियोस पा जाओगे इससे रिलेटेड। इतनी सारी वैकेंसी का कारण ये भी हो सकता है आपका, बिकॉज मैक्सिमम वन लोग जो है वो स्विच कर देते हैं जब देखते हैं वर्क प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें रहती है विंटर का। लेकिन फिर भी जो डेडिकेटेड लोग हैं जरूर इस पर वो करेंगे, और इस वजह से पोस्ट टॉप पर रहने वाली, प्रमोशन अच्छा है आपका, फ्यूचर मतलब अगर हम बात करें करियर ग्रोथ अच्छा है, मार्केट में क्या वैल्यू है ये आप सब जानते हो। ग्रेड पे जो देखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको 2800 लेना है या फिर आपके मार्क्स इस रेंज में है कि 4200 और 2800 के रेंज में है, तो कुछ कैंडिडेट ऐसे भी रहते हैं जो ग्रेड पे की तरफ जाते हैं। इस कारण से एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जो वैकेंसी अच्छी खासी है और वो ऑप्ट करी जाएगी। स्टेट वाइज वैकेंसी इसकी पहले से अवेल रहेगी, रैंक बेसिस पर अलोकेशन किया जाता है। और इसमें अगर आपको रैंक अच्छी मिली, अगर आप हाई ग्रेड पे 4600 वाली पोस्ट ऑप्ट करके मतलब छोड़ करके अगर आप इस पोस्ट की तरफ देखने की सोच करो, अगर आपकी रैंक अच्छी रहती है तो आपको स्टेट मिलने के भी चांसेस रहेंगे। स्टेट मिल जाएगा तो स्टेट से बाहर नहीं जाओगे, बिकॉज आईसीटी बंद है, तो आप एक हाई ग्रेड पेपर सर्व कर सकते हो लंबे टाइम तक के लिए। जब बात यहाँ फंसती है कि यार अगर मुझे 4600 या 4200 या 2800 लेकर के बाहर जाना है और मेरे को डबल ए ओ भी मिल रहा है, तो क्यों ना मैं 4800 डबल ए ओ लेकर के ही बाहर जाऊँ। तो आप खासकर ऐसे लोग जिनका डबल ए ओ में भी हुआ है और इधर भी हुआ है, 4600 में अगर अच्छी पोस्ट मिल रही है तो फिर बात खत्म हो गई, 4600 ही भरेंगे कैंडिडेट, डबल ए ओ नहीं ऑप्ट करते हैं। लेकिन कहीं अगर उसके नंबर 2800 या 2800 पर भी रहते हैं, अगर उनको श्योरिटी रही जैसे सीएजी में या फिर किसी ऐसे में कि नहीं श्योरिटी में लोकेशन मिल जाएगा और डबल ए ओ में लोकेशन अच्छी नहीं मिल पाएगी,